हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस शेयर के बारे में। दोस्तों, जो 117.20 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 2.40% अप मूव में आपको दिखाई दे रहा है। गोल्ड का जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, आपका इस शेयर में भी आपको बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और बहुत हाईली टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि गोल्ड का प्राइस आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे स्टॉक आपके होना चाहिए जिसका प्राइमरी बिजनेस ही हो, गोल्ड सेगमेंट के ऊपर हो, गोल्ड लोन के ऊपर हो। और गोल्ड लोन अभी बढ़ रहा है, जैसे कि मुकुट फाइनेंस का, जैसे कि देख सकते हो कि लास्ट जो 5 डेज है उसमें आपका 53,000 का गोल्ड का प्राइस हुआ करता था, और वो जो बढ़ के आपका हो गया अभी 55,000 क्रॉस कर गया, मतलब 2,000 पर आपका इसी में बढ़ गया, पर बॉडी में बढ़ गया। तो इस हिसाब से आपका बोल सकते हो कि 10 kg का 24 का 99% आपका जो 55,450 अभी इंडियन करेंसी के हिसाब से चल रहा है। तो बेस्ट टाइम है आपका अपॉर्चुनिटी, जो नया बाई करना चाह रहे हो और जो पहले से बाई करके रखे हो। जैसे कि कोई भी ASM GSM लिस्ट में है नहीं, एंट्री पॉइंट बेस्ट माना जा रहा है, ओवरबॉट जोन में है नहीं। RSI MFI एकदम ओवरसोल्ड जोन में है, डिविडेंड हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करता है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी FD से ज़्यादा है, इंटेंसिक वैल्यू भी कम है। 88% एक्सपर्ट अभी बाइंग के राय दे रहा है दोस्तों। 148 का इनिशियल टारगेट और 160 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 1205 का लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। PE आपका 5.62 पे आ गया है, सेक्टर PE से बहुत ज़्यादा कम में है। जैसे कि देख सकते हो कि गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, माइक्रो फाइनेंस करता है, हाउसिंग लोन करता है और कमर्शियल व्हीकल लोन भी प्रोवाइड करता है। तो इसी के इंटरेस्ट के बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करके 1,000 करोड़ प्रॉफिट, मतलब है कि 1.72,000 करोड़, जो 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 0.34,000 करोड़ का आपका प्रॉफिट जनरेट करके दिया है कंपनी ने पिछले साल। लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपका बाई करने का और एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और बिजनेस सेगमेंट इतना डाइवर्सिफाइड है कि बहुत सारा सेगमेंट संभालते हैं, तो आपका कोर पोर्टफोलियो में रखने वाला और पोर्टफोलियो के 5% ऐसे स्टॉक आपके कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मुटुत फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस दोनों आपका हेल्दी लोन प्रोवाइड करके हेल्दी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कुछ पेनल्टी भी सेबी ने लगाया क्योंकि इनसाइडर कुछ ट्रेडिंग हुआ था, जो एक आपका जानकारी में रहने वाला चाहिए, इसलिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है। MACD देख सकते हो कि माइनस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश इंडिकेटर कर रहा है, तो यहाँ से पुल बैक होगा ड्यू टू ग्लोबल जो न्यूज़ है आपका, यूक्रेन और रशिया का जो वार है उसका सीधा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। MFI 14.7 पे है और RSI 27 पे है, तो ये ओवरसोल्ड, स्ट्रांगली ओवरसोल्ड जोन में है। अब जो टारगेट निकल के आ रहा है इनिशियल शॉर्ट टर्म टारगेट, वो 148 का है, तो सीधा यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से आपका 26% अप मूव है। ऐसे वीडियो लाने के लिए सब्सक्राइब करो आपके चैनल मनी मेकर को। फ्रेंड्स के साथ